गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज आगे पाठ पढ़ रहे हैं रात का मेहमान। ठीक है, आज चंद्रशेखर आज़ाद जो है उस बुढ़िया के यहाँ खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, और खाते खाते चंद्रशेखर आज़ाद जो है कल्पना से पूछने लगता है कि कितना पढ़ती हो। बताती है, मैं द्वितीय वर्ष में हूँ, विषय कौन सा है? बताती है, संस्कृत विषय है। आज़ाद जो है उसे शाबाश सी देता है और खाना जो है खा रहा है। खाना खाने के बाद आज़ाद जो है दो लोटा ठंडा पानी पीता है। कल्पना जो है ऊपर पढ़ने के लिए चली जाती है। बुढ़िया जो है बताती है कि कल्पना 20 रुपये मासिक ट्यूशन पढ़ाया करती है बच्चों को, और उसी पैसे से गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है, लड़का तो है नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाएं खड़ी है। वातावरण जो है बहुत शांत हो जाता है, उदासी छा जाती है। तभी घड़ी की आवाज़ टन टन करके रात के 2 बजने का समय जो है बताती है। आज़ाद ने जाना चाहा और बुढ़िया जो है कहती है कि कभी कभी मिलते रहना, आते रहना। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने को कहा। वह कल्पना जो है अभी तक पढ़ रही थी, माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और आते ही बताने लगती है कि बाणभट्ट की कादंबरी पढ़ रही थी। बड़ा ही कठिन रचना है। उनकी बातों को सुनकर, कल्पना के बातों को सुनकर आज़ाद कहने लगता है कि संसार में कोई काम कठिन नहीं है, मन लगा कर करो, मन लगा कर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। आज़ाद ने उसे आशीर्वाद दिया। कल्पना कहने लगते हैं, आप सबके आशीर्वाद से हमेशा ही मैं प्रथम आई हूँ, इस बार भी प्रथम आ सकती हूँ। और ऐसा बात सुनने के बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद जो है, अच्छा तो लो ये अपना इनाम प्रथम आने का। ऐसा कहकर आज़ाद ने एक ब्रीफ केस जो है कल्पना के हाथ में थमा दिया और उस बुढ़िया को प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत वहाँ से चला गया। कल्पना ने ब्रीफ केस खोला, उसमें भरे थे 100 रुपये के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए आज़ाद जो है दे गया है। रुपए लेकर वह वृद्धा जो है दरवाजे की ओर दौड़ने लगती है और बारिश जो है अब भयंकर रूप धारण कर लिया था। और जैसे बुढ़िया दरवाजे के बाहर आकर देखती है कि आज़ाद जो है जा चुका है। बुढ़िया जो है बहुत दूर तक अंधेरे में आज़ाद को ताकती रही, लेकिन शायद वो चला गया है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक बहुत ही साधारण सा काम किया करते थे और चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा जो है भाभरा में हुई। आगे की शिक्षा के लिए वो बनारस चले गए। वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। एक बार किसी सत्याग्रह में वे पकड़ लिए गए। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर आज़ाद कहने लगते हैं, आज़ाद। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? स्वतंत्र। तुम्हारा निवास कहाँ है? जेल खाना। जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुनता है जज जो है, मजिस्ट्रेट जो है, तो उसका वह बिगड़ जाता है। और बिगड़ने के पश्चात न्यायाधीश बिगड़ गया, और बिगड़ने के पश्चात उन्हें 15 डंडे मारने की सजा दी गई। उन्हें 15 बेत लगाए गए। हर बेत पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की और जैसे जैसे बेत पढ़ते जाते थे वैसे वैसे उनका जयघोष करने की ध्वनि और बढ़ता जाता था, और बेत पढ़ने के साथ साथ भारत माता की जय,
वह बोला करते थे। वे तभी से क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गया था और अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। उनके पिस्तौल में एक ही गोली बची थी, वह उन्होंने अपनी कनपट्टी में मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अल्फ्रेड पार्क में उनकी समाधि जो है बनी है, वह पार्क अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे युवा क्रांतिकारी नेता थे कि वास्तव में उन्होंने अपना सब कुछ जो है देश को स्वतंत्र करने के लिए न्यौछावर कर दिए। ऐसे भारत की सपूत, ऐसे भारत के लाल कि वास्तव में यह अटूट विश्वास जो है भारत के लिए, देशभक्ति की भावना जो है, और सभी को अपने देश के प्रति अपने हृदय में भक्ति भावना रखने चाहिए, इस पाठ से यह शिक्षा जो है बच्चों को दिया गया है। तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।